डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बच्चों, ये क्लास 5 का मैथ है, चैप्टर 7 है, एक्सरसाइज 45। यहाँ पे डिवाइड दिया हुआ है, तो ऑलरेडी आप लोग डिवाइड तो जानते ही हैं, क्लास 3 से ही डिवाइड इससे पहले भी शुरू हो जाता है, क्लास 2, क्लास 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 और यहाँ पे है 14, तो इसको 12 से देना है। 12 से दे देते हैं इसको, तो 12 72 तो आता ही है, 7.2 हो गया। तो इसका मतलब है कि हम पॉइंट के इधर ले रहे हैं, इसका मतलब 0 पॉइंट लगा देते हैं, पहले ही पॉइंट हम लोग को रखना होगा। उसके बाद कितना हो गया, 12 4 36 60 बार 6 72, 6 बार में आ रहा है, तो यहाँ पे 6 72, ये तो कट गया। आंसर क्या हो गया, 0.6, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया 14 नंबर में टेबल आप देख रहे हैं, बड़ा है, इसका मतलब है कि इसमें समय लगेगा। 39.818 कितने बार में जाएगा ये, तो सबसे पहले जो है इससे बड़ा ये है, पॉइंट के इधर जो नंबर दिया हुआ है 39, इससे बड़ा है, मतलब हमको 3 डिजिट पे जाना होगा। इसका मतलब है कि 0 पॉइंट पहले ही लगा देना होगा, 0 पॉइंट लगा दिए। अब यहाँ पे 4 का टेबल पढ़ के हमको अंदाज़ा लगाना होगा, तो 4 8 या 32 होता है, तो संभावना है 8 बार में जाने की, तो यहाँ पर हम लोग चेक करते जाते हैं, 40 43 8 बार में चेक करते हैं इसको, तो 8 3 जा 24 हो गया, 2 और यहाँ पर 8 4 जा 32, 32 और 2 34 हो गया, इतना जा रहा है। 9 बार भी चेक कर लेते हैं, 43 9 से 9 3 जा 27 हो गया, 2 9 4 जा 36, 37 38 हो गया, 38 मतलब 9 बार में जाएगा, 10 बार में तो जाया जाता नहीं है, तो 9 बार में जाएगा, ये इसके आसपास में ही है, 98 हो रहा है यहाँ, 87 तो 387, तो यहाँ पे 387 माइनस करते हैं, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, ये कट गया, फिर 1 कितने बार में जाएगा, ये 2 3, अब 4 3 से 12 हो गया, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार में जाएगा, 2 बार में कितना हो रहा है यहाँ पे करके देखते हैं, 4 3 और 8 2 3 2 जा 6 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 6 4 2 जा 8, तो 86 आ रहा है, तो इतने ही बार में जाएगा, 2 बार में ले जाते हैं हम इसको, 2 86 यहाँ लिख लेते हैं, माइनस करेंगे 11 6 5 हो गया, और यहाँ पे 10 बचा 8, तो 2 हो गया, 25 यहाँ तक चला गया है, अब जो है 8 यहाँ पे, 8 कितने बार में जाएगा, ये 4 4 5 जा 20 4 6 जा 24 होता है, यहाँ 25 आ रहा है, तो 6 बार में जाने की संभावना है, तो यहाँ पे इसको ले लेते हैं, 4 3 और ये 6 कितना हो गया, 6 3 जा 18 हो गया, और यहाँ पे 1 बचा हुआ है, 6 4 जा 24 हो गया, 24 और 1 25 हो गया, मतलब ये कंप्लीट कट जा रहा है, कितने बार में कटा, 6 बार में, तो यहाँ 6 ले लेते हैं, 6 और ये 258 आ गया, इसको काट देते हैं, तो आंसर क्या हो गया, 0.926, इस तरह से ये कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और 16, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टेबल का जो नंबर दिया हुआ है, ये बड़ा टेबल दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, तो इसको ध्यान से बनाना होगा, अदरवाइज गलती होने की काफ़ी संभावना है इसमें। तो यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि 123 से डिवाइड करना है, 437.88 ये है, इसको 123, तो ये 400 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 3 बार 4 बार में जा सकते हैं, चेक करना होगा यहाँ पे, 123 3 बार में जाते हैं, 9 हो गया, 3 2 जा 6 6 हो गया, और 3 3 1 जा 3 हो गया, तो इतना जा रहा है, तो अगर 4 बार में जाते हैं तो कितना जाएगा, तो 123 4 चेक कर लेते हैं, और 4 3 जा 12 हो गया, 1 बच गया, 4 2 जा 8 1 9 हो गया, और 4 1 जा 4 492, मतलब ये ज़्यादा जा रहा है, इसीलिए हम लोग को जाना होगा 3 बार में, तो यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, और यहाँ कितना जा रहा है, 369 369, माइनस कर देते हैं, 17 हो गया, तो 9 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो गया, 12 हो गया, 6 तो 6 बच जाएगा, और यहाँ पे 3 ये कट गया। अब यहाँ पे पॉइंट वाला हम लोग नंबर लेंगे, तो यहाँ पॉइंट बैठा देते हैं, और यहाँ पे 8 कितने बार में जाएगा, 106 जा 600 होता है, तो 6 बार में ना, 6 बार में ज़्यादा हो सकता है, तो 5 बार में हम चेक कर लेते हैं, यहाँ 5 बार चेक करते हैं, 5 15 हो गया यहाँ पे, और 10 1 11 1 बचा हुआ है, यहाँ पे 6 6 15, तो ये आगे जा सकता है, 6 बार में हम जा सकते हैं, तो 6 चेक कर लेते हैं यहाँ पे, 123 6 6 3 जा 18 1 बच रहा है, तो यहाँ पे 6 2 जा 12 113 हो गया,
फिर वन बचा हुआ है, तो यहाँ पे सिक्स वन जा सिक्स और सेवन, तो सिक्स बार में ज़्यादा हो रहा है, तो फाइव बार में हम लोग को जाना होगा 615, तो यहाँ पे फाइव बार लेते हैं और 615 कितना हो गया, 853 हो गया यहाँ पे, और यहाँ सेवन हो गया, ये कट गया, फिर एक एट यहाँ पे लेते हैं, तो ये कितने बार में जाएगा, यहाँ पे सिक्स बार में देख रहे हैं, सिक्स बार में ये कम्प्लीटली आ जा रहा, इसका मतलब है कि यहाँ पे सिक्स हो जाएगा, यहाँ पे फाइव, यहाँ सिक्स, 738 ये हो गया, ये तो कट गया पूरी तरह से, तो इसका आंसर क्या आ गया, 3.56 ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से इसको लेना होगा, इसको हम लोग मिटा लेते हैं, यहाँ पे हम लोग को डिवाइड देना है 463 से 262.984, इसको देना है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है पॉइंट के इधर जितना बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है ये बड़ा है, तो इसका मतलब है कि हम लोग को यहाँ तक जाना होगा, तो सबसे पहले ही हम लोग पॉइंट को टच कर रहे हैं, इसीलिए जीरो पॉइंट यहाँ लगा देते हैं, और यहाँ पे इतना दूर जाना होगा 26, 29, तो फोर का टेबल पढ़ने से हम लोग 4, 6 जा 24 होता है, तो यहाँ पे हम लोग सिक्स बार में चेक कर सकते हैं, तो सिक्स बार में चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 4, 63, 6, 3, 6 जा 18 हो गया, 1 बच गया, 6, 6 जा 36 और 1, 37, 3 और 6, 4 जा 24 और 3, 27 हो जा रहा है, मतलब ये अधिक चला जा रहा है, इसका मतलब है कि 5 बार में यही ये जाएगा, तो यहाँ पे 5 बार में कितना आएगा इसको चेक कर लेते हैं, 5, 3 जा 15 हो गया, 1 बच गया है, और 6, 5 जा 30 और 1, 31 हो गया, 3 बचा हुआ है, 5, 4 जा 20 और 3, 23 हो गया, तो इतना जा रहा है, तो हम लोग को 5 बार में जाना होगा, तो यहाँ 5 ले लेते हैं, 23, 15, 23, 15 ये यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ 4 हो गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 ये कट गया, यहाँ पे 8 आ जाएगा, कितने बार में जाने की संभावना है, 31, 5 बार में हम लोग 6 बार में इतना जा रहे हैं, 7 बार जा सकते हैं, तो 7 बार में चेक कर लेते हैं, 4, 63, 7, 7, 4 जा 28 होता है ना, तो देखते हैं यहाँ पे 7, 3 जा 21 हो रहा है, 2 बच गया, 7, 6 जा 42 और 2, 44 हो गया, 4 बच गया, 7, 4 जा 28, 28 और 4, 32 हो गया, कितना हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब 6 बार में ही जाएगा, तो 6 बार में कितना हो रहा है, 27, 78, 6, 27 और 78 ये हो गया, यहाँ 0 आ जाएगा, 4, 14 हो गया, तो यहाँ 7, यहाँ पे हो गया 0, फिर यहाँ पे आएगा तो 10 हो गया, 10 में से 7 तो 3 ये कट गया, अब एक नंबर बचा हुआ है 4, यहाँ पे लेते हैं 4 और 37, 04 मतलब 7 बार में भी नहीं जाएगा, 8 बार में 9, 8 बार में अगर हम और जाते हैं 400 इसमें जाते हैं तो 37 हो सकता है कि हम लोग 8 बार में जाना होगा, तो 8 बार में चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे 8 बार में हम लोग चेक करते हैं, 8, 3 जा 24 हो गया, 2 बच गया और 8, 6 जा 48 और 2 बचा हुआ है, तो 48 और 50 हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ पे 5 बच गया, उसके बाद 8, 4 जा 32 और 5, 37 हो गया, तो यहाँ पे 37 मतलब इक्वल आ गया, यहाँ पे कितने बार में आया, 8 बार में, यहाँ पे 8 लगा देते हैं और यहाँ पे जितना है उतना ही हो जाएगा, तो ये पूरी तरह से कट गया, मतलब इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 0.568, ये इसका आंसर हो जाएगा।